हेलो स्टूडेंट्स, SVM पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश का टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना। इसमें क्या होगा, हमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस मिलेंगे और उनको जोड़कर हमें एक सेंटेंस में बदलना होगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस हमें दे रखे हैं और उन दोनों या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर जो हम एक वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अर्थ है, मीनिंग है, वो सेम रहेगा। और इसके लिए हमें एग्जामिनर द्वारा ये बाउंड कर दिया जाता है कि जो हम सेंटेंस जोड़कर एक बनाएंगे, जो सेंटेंस अपना बन रहा है वो सिंपल सेंटेंस होना चाहिए या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके लिए हमें बाउंड किया जाएगा कि जो सेंटेंस आपने जोड़ा है वो सिंपल सेंटेंस बने, कंपाउंड बने या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। तो सबसे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है। हमें कैसे पता लगेगा ये सिंपल सेंटेंस बन गया अपना या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स? तो सबसे पहले देखो, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमें एक ही क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलता है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसका अपना क्या होगा, प्रेडिकेट, या फिर उसकी एक ही होगी फाइनाइट वर्ब। एक ही सब्जेक्ट, उसकी अपनी फाइनाइट वर्ब या उसका अपना प्रेडिकेट, ये किसमें, सिंपल सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस को किसी कंपाउंड कंजक्शन से जोड़ा जाएगा तो जो सेंटेंस हमारा तैयार होगा उससे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान रखें कि जब दो सिंपल सेंटेंस को हम किसी कंपाउंड कंजक्शन से जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना कि जो कंजक्शन है वो कौन सा अपना, वो कंपाउंड ही होना चाहिए, क्योंकि एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि इसमें अप्लाई होगा। तो कंपाउंड कंजक्शन से जब दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हमें दो क्लोज मिलेगी, हमें दो क्लोज मिलेगी और उनमें से एक क्लोज होगी प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी होगी सब ऑर्डिनेट क्लोज। कहने का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहेगी। प्रिंसिपल क्लोज के बिना सबऑर्डिनेट क्लोज का मीनिंग या जो सेंस वो अर्थ पूरा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि दो क्लोज मिलेगी और उनमें से एक होगी प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो एक बार देखो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें बाउंड किया गया है वो सेंटेंस हमारा बनना चाहिए किसमें, सिंथेसिस में। तो सबसे पहले अपने करते हैं सिंपल सेंटेंसेस कि दो या दो से ज्यादा वाक्यों को जोड़कर हम क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सिंथेसिस में हम सबसे पहले दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 7-8 मेथड हैं। इन सभी मेथड्स का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स, कि पार्टिसिपल्स का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ इन्फिनिटिव,
किसका यूज करके? इन्फिनिटिव का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड क्या है, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखो, यूजिंग प्रेपोजिशन बिफोर ए जेरेंड और नाउन। नाउन अथवा जेरेंड से पहले प्रेपोजिशन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके अलावा यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इसी मेथड्स का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं कि पार्टिसिपल्स का यूज करके किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब देखो, पार्टिसिपल्स का यूज करके सिंपल सेंटेंस प्रिपेयर करना, तो पार्टिसिपल्स तीन होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल्स, और थर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। कहने मतलब है वर्ब की इंग फॉर्म, वर्ब की इंग फॉर्म यूज की जाती है। और पास्ट पार्टिसिपल्स में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। सॉरी, ये पास्ट नहीं है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक बार फिर देखो, पार्टिसिपल्स तीन होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, इसमें वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म उसका यूज किया जाता है। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल्स, इसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में क्या होता है, इसमें क्या है, हमें दो काम दे रखे होंगे, हमें दो काम कार्य मिलेंगे। तो पहला या पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा। दो कार्य दे रखे होंगे, फर्स्ट कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, तो उस सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि पहले कार्य का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, दूसरे पर पड़ेगा। पहले कार्य का इफेक्ट जब दूसरे कार्य पर पड़ेगा तो उस इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल्स में क्या बताया आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाएगी तो वो पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट में क्या होगा, इसमें भी हमें दो काम मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो कार्य। पहला कार्य जब कंप्लीटली पूर्ण हो जाएगा, जो पहला कार्य जो कंप्लीटली पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा कार्य होगा। कहने मतलब है पहले कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद, पूरा हो चुकने के बाद जब दूसरा कार्य होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे। इसमें करना क्या, हमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो अब हम इसी को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अब देखो, पार्टिसिपल्स का यूज करके
हम इन सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थीफ सो द पुलिस ही रेन अवे, कि चोर ने पुलिस को देखा ही रेन अवे, वह भाग गया। तो पार्टिसिपल तीन है, तीनों से देखते हैं कौन सा अप्लाई हो रहा है, कि चोर ने पुलिस को देखा ही रेन अवे, कहने का मतलब है जैसे ही देखा चोर ने पुलिस को क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, वो भाग गया। या फिर पहले कार्य का इफेक्ट किस पर पड़ा, दूसरे पर, ही रेन अवे, चोर भाग गया। भागा क्यों है, उसका कारण क्या, रीजन क्या उसका, कि उसने चोर ने क्या किया, पुलिस को देखा। तो जो पहले कार्य का इफेक्ट दूसरे पर पड़े या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में होता क्या है कि वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, किसका, आईएनजी का, इन फॉर्म मीन मतलब कि। अब देखो पहला कार्य कौन सा हुआ, कि चोर ने पुलिस को देखा, चोर ने पुलिस को देखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और एक बात और ध्यान दें, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसकी जो वर्ब है उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। हालांकि सो ये सेकंड फॉर्म है और जो आईएनजी है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, सी द पुलिस, सींग द पुलिस ही रेन अवे, ही कौन है, द थीफ है, तो क्या करेंगे, सींग द पुलिस द थीफ रेन अवे, तो ये बनेगा हमारा कंबाइनिंग सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया, सींग द पुलिस द थीफ रेन अवे, चोर को देखते ही, सॉरी पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। अब नेक्स्ट देखो, शी वॉज थर्स्टी, शी टुक वॉटर, वह प्यासी थी, उसने पानी पिया, पानी क्यों पिया, कारण क्या है, उसका थर्स्टी होना, मतलब थर्स्टी होने के कारण ही उसने क्या किया, पानी पिया। तो पहले कार्य का इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है या पहले कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। अब इसमें देखो वर्ब के आगे पास वॉज, और वॉज किसका रूप है, बी का रूप है, क्योंकि वॉज में आईएनजी नहीं लगता, वॉज किसका रूप है, बी का रूप है, तो क्या करेंगे, हम बी में आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा, बीइंग। इसमें भी क्या, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, बीइंग थर्स्टी शी टुक वॉटर, तो क्या बनेगा, बीइंग थर्स्टी शी टुक वॉटर। सब्जेक्ट हमने फर्स्ट क्यों हटाया है, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट देखो, ही इज ए टीचर, ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, वह एक टीचर है, और ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, वह गरीब विद्यार्थियों की सहायता करता है। अब कहने का मतलब देखो, टीचर होने के दौरान ही वह गरीब विद्यार्थियों की हेल्प करता है, टीचर होने के दौरान ही गरीब विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसमें फिर देखो इज, और पहली बात तो दोनों में सब्जेक्ट क्या आ गया, सेम आ गया, तो फर्स्ट सब्जेक्ट उसको अपने हटा देंगे, इज ये भी किसका रूप है, बी का रूप है, तो बी में क्या करेंगे, हम लगाएंगे आईएनजी, ये बन जाएगा बी ए टीचर ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, बीइंग ए टीचर ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड वॉज हंग्री, इट क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा
हंग्री था, भूखा था। इट क्राइड फॉर मिल्क, वो मिल्क के लिए चिल्लाया तो रोया। और क्यों रोया वो, कारण क्या रोने का, क्योंकि बच्चा क्या है, हंग्री है। तो इसका जो इफेक्ट इस सेंटेंस में जा रहा है, इसका जो इफेक्ट के इस पर जा रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। इसमें फिर हमारे पास वॉज मतलब बी की फॉर्म है, तो क्या करेंगे, बी में जोड़ेंगे आईएनजी, बन जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री। इट इट कौन है, द चाइल्ड है। बीइंग हंग्री द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। अब नेक्स्ट, आई मेट ए वुमेन शी वॉज लर्निंग। अब देखो इसमें क्या बताया गया अपने को, आई मेट ए वुमेन, मैंने मैं एक महिला से मिला, शी वॉज लर्निंग। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा हो, या पहले का इफेक्ट दूसरे काम पे पड़ रहा हो, या हम कहें कि एक कार्य के पूरा हो चुकने के बाद दूसरा कार्य हो। देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं एक महिला से मिला, शी वॉज लर्निंग, वह लर्निंग थी। लर्निंग कौन है, इस महिला के लिए आ रहा है, वुमेन के लिए। और ये लर्निंग जो है ये क्या है, लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। लर्निंग किसके लिए आ रही है, शी के लिए, शी है कौन, वुमेन। तो हम क्या करेंगे, इस थर्ड फॉर्म को इसके जस्ट पहले अटैच कर देंगे इस प्रकार से। देखो तो आई मेट ए लर्निंग वुमेन, हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा कि आई मेट ए लर्निंग वुमेन, मैं एक विद्वान महिला से मिला। तो ये लर्निंग है क्या, वर्ब की, सॉरी लर्न की थर्ड फॉर्म। वर्ब की जब थर्ड फॉर्म को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करें तो कौन सा पार्टिसिपल चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है, और इस सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल्स का। अब हम करें नेक्स्ट और एग्जांपल्स। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंसेस, द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर ए मैन, ही वॉज इंजर्ड। अब देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, लुकिंग आफ्टर ए मैन और ही वॉज इंजर्ड। अब ये इंजर्ड कौन है, मैन है। इंजर्ड ग्रामेटिकली है क्या, वह इंजर की थर्ड फॉर्म है, और ये किसके लिए आई है, मैन के लिए। तो इट मींस ये इंजर्ड अपने आप में विशेषता बता रहा है किसकी, ए मैन की। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड मैन। तो हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा कि द डॉक्टर वॉज लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड मैन। तो इसमें हमने क्या किस पार्टिसिपल्स का यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखो लड़के ने अपना काम पूरा किया, लड़के ने अपना वर्क फिनिश किया, और ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने चला गया। इसमें क्या, एक पहले उसने अपना कार्य कंप्लीट किया है, एक कार्य के पूरा हो चुकने के बाद उसने क्या किया है, दूसरा कार्य किया है। तो जो काम पहले हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले, ही कौन है, द बॉय। तो द बॉय वेंट
टू प्ले क्रिकेट। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, हैविंग फिनिश हिज वर्क द बॉय वेंट टू प्ले क्रिकेट। अब नेक्स्ट देखो, राम रोट ए लेटर, ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू डिस्पैच इट। तो पहले राम ने क्या किया, लेटर को कंप्लीट लिखा है, लेटर को पूरा लिखने के बाद उसने क्या किया है, वो उसको डिस्पैच करने गया है। तो एक कार्य के पूरा हो चुकने के बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब क्या हमारे पास, रोट, तो ये बन जाएगा हैविंग, रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, हैविंग रिटर्न ए लेटर, ही है कौन, राम, तो क्या आ जाएगा, हैविंग रिटर्न ए लेटर राम वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू डिस्पैच इट। लेटर को लिख चुकने के बाद राम इसे पोस्ट ऑफिस डिस्पैच करने गया। नेक्स्ट देखो, आई सो ए गर्ल, शी वॉज प्लेइंग चेस। मैंने गर्ल को देखा, शी वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही थी। अब देखो इसमें क्या हुआ कि देखने, जब उसने गर्ल को देखा उस दौरान वो क्या कर रही थी, चेस खेल रही थी। इट मीन्स इसमें क्या, एक के दौरान ही दूसरा काम हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब इसमें ध्यान दें कि दोनों का सब्जेक्ट है वो क्या है, अलग अलग है। और दूसरी बात, ये प्लेइंग चेस किसके लिए आ रहा है, ये गर्ल के लिए आ रहा है। तो सिंपल सा बन जाएगा ये, आई सो ए गर्ल, ये शी किसके लिए, गर्ल के लिए। तो हम इसे हटा देंगे, पीछे क्या बचा, ये बन जाएगा प्लेइंग चेस, कि मैंने एक लड़की को चेस खेलते हुए देखा। चूंकि दोनों का सब्जेक्ट क्या था, अलग अलग था, और ये जो प्लेइंग चेस किसके लिए आ रहा है, ये गर्ल के लिए आ रहा है, उसको हम हटा देंगे इसको, और ये इसके साथ ही जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी हैड हर लंच, शी बिगेन टू डू हर होमवर्क। उसने अपना लंच किया और फिर वह अपना, उसने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। इट मीन्स पहले उसने लंच किया कम्प्लीटली, लंच करने के बाद उसने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया। तो एक कार्य के पूरा हो चुकने के बाद जब दूसरा कार्य हो, हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब देखो इसमें आपके पास वर्ब क्या है, हैड, हैविंग तो आपको लगाना ही है, और हैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म ही सेम है। हैविंग हैड हर लंच, शी बिगिन टू डू हर होमवर्क। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हैविंग हैड हर लंच, शी बिगेन टू डू हर होमवर्क। नेक्स्ट, ही हर्ड ए नॉइज, ही स्टॉप, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, उसे शोर सुनाई दिया, और ही स्टॉप जो है रुक गया। अब देखो वो क्यों रुका है, वो रुका क्यों है, क्योंकि उसको आवाज़ सुनाई दी, कोई शोर सुनाई दिया। कहने मतलब है, शोर सुनते ही क्या हो गया, वो रुक गया। रुकने का कारण क्या है, उसको शोर सुनना, सॉरी शोर का सुनाई देना, जैसे उसे शोर सुनाई दिया वो रुक गया। तो पहले कार्य का इफेक्ट किसे पड़ रहा है, दूसरे पे पड़ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो हर्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हियर, तो ये बन जाएगा हियरिंग ए नॉइज, ही स्टॉप्ड, हियरिंग ए नॉइज ही स्टॉप्ड। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज करके दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर हम एक
सेंटेंस बना सकते हैं, और वो सेंटेंस कौन सा? सिंपल सेंटेंस। तो इस प्रकार से पार्टिसिपल्स का यूज किया जा सकता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप।